पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों, आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है, चुप कौन है, क्यों बुलवा रहा है, क्यों चुप है, ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप है। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हांकते हैं, जरा बताइए। किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का ऐसा एक वातावरण बनाए जिससे कि कोई सरफिरा कल को कोई गलती कर बैठे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा हमेशा कायरता की निशानी मानी जाती है और अहिंसा वीरता का आभूषण माना जाता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है और बीजेपी और आरएसएस के मुंह से आप हिंसक शब्द सुनोगे। उनकी गतिविधियां हिंसक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कायर हैं। हमें आपकी गीदड़ भभकियों से कोई डर नहीं लगता, लेकिन देश और विश्व के सामने आपकी असलियत जरूर सामने आनी चाहिए कि आप किस तरह की राजनीति करते हैं, किस तरह की हिंसक राजनीति करते हैं। ये राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। मुंह खोलिए प्रधानमंत्री जी, बोलिए प्रधानमंत्री जी, नहीं तो ये देश सुन रहा है, आपकी चुप्पी को भी सुन रहा है। जय हिंद।